टाटा ST मॉडल है और हम इसकी गियर ऑयल चेंज करने वाले हैं। BS3 BS4 दोनों मॉडल सेम होते हैं ये, तो इसके लिए हम इसका भी गियर ऑयल चेंज करने वाले हैं। तो गियर ऑयल चेंज कैसा करें वो हम देखेंगे अभी इस वीडियो में। तो इसके सर्विस को काफ़ी टाइम हो चुका है और इसका गियर ऑयल जो है तो हमें चेंज करना है। टाटा ST मॉडल का हम गियर ऑयल चेंज करने वाले हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमको ऑयल चेक करना होगा इसमें कैसा ऑयल है। तो हम सबसे पहले ऊपर वाला प्लग जो है वो खोलेंगे और ऑयल चेक करेंगे। अब वो प्लग के अंदर जो ऑयल है, तो अगर आपका लेवल ऑयल अगर होगा तो ऑयल ऊपर से ड्रेन होगा, यानी लेवल जो होता है वो और फ्लो होता है। गाड़ी रन करके आई तो ऑयल पतला हो जाने के कारण ज़्यादा हो जाता है अंदर। तो ये देखिए गाड़ी में ऑयल लेवल है और अब ऑयल की हम ग्रेविटी चेक करेंगे। अगर वो ज़्यादा ख़राब हो चुका तो हमको बदल देना चाहिए। तो हम उसको ऑयल तो काफ़ी ख़राब दिख रहा है, हम उसको चेंज कर देंगे। तो हम नीचे वाला ड्रेन प्लग खोलेंगे उसका, और ड्रेन प्लग खोलने के साथ ही हमको नज़र आएगा कि गियरबॉक्स के अंदर ऑयल किस लेवल का है, यानी उस जो ज़्यादा ख़राब तो नहीं हुआ है, और जो भी कुछ उसमें ख़राब होता है या उसका जो किस और बारीक बारीक गियर के जो बर निकलते हैं, तो वो नीचे एक चुंबक होता है जिसमें पूरे लग जाते हैं। तो मैं दिखाऊंगा आपको प्लग के साथ में अभी कि वो किस तरह से चिटकते। ये देखिए ऑयल तो काफ़ी ख़राब हो चुका है और लाल भी हो चुका है, तो हमको चेंज करना इसको ज़रूरी है। तो हम इसका गियर ऑयल चेंज कर देंगे। टाटा एस का गियर ऑयल हम चेंज करने वाले हैं। तो ये देखिए जो उसके अंदर बारीक घान होती है कीस, तो वो जो ड्रेन प्लग होता है उसके अंदर मैग्नेट पे लग जाती है सब। तो इस तरह से हम उसको साफ़ करके फिट करेंगे फिर, और ऑयल देख लेंगे। अरे ऑयल देखिए रन करने के बाद गाड़ी का जो ऑयल है उसके अंदर बबल्स आते हैं, इसमें भी सारे बबल्स आए हुए हैं ऑयल के अंदर, और ऑयल काफ़ी लाल हो चुका है, उसका कलर बदल चुका है। ये प्लग हमारा साफ हो चुका है और हम इसको फिट कर देंगे। पूरा ऑयल ड्रेन हो चुका है, टाटा इसका गियरबॉक्स का ऑयल जो है तो पूरा ड्रेन हो चुका है। अब इसको प्लग टाइट करने के बाद हमको इसमें नया ऑयल डालना होगा, और नया ऑयल लगेगा 1.5 लीटर। तो हम इसके लिए अच्छे वाला ग्रेड का ऑयल लेंगे, क्योंकि उसने अच्छी सर्विस देना चाहिए हमें। हम ये गियर ऑयल इसमें डालने वाले हैं गियरबॉक्स के अंदर। इसके दो फायदे हैं कि इसको कोई एक्स्ट्रा पाइप की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली पाउच से ही ऑयल गियरबॉक्स के अंदर चला जाता है, और कुछ ही मिनटों के अंदर जो गियर ऑयल है वो गियरबॉक्स के अंदर भर जाएंगे। तो हमने 1 लीटर लिया था पहले ऑयल, और उसके बाद हम पूरा ऑयल होने के बाद चेक करेंगे उसको कि और कितना लग रहा है उसको। तो वैसे ही तो 1.5 लीटर ऑयल लगता ही है कंटिन्यू, तो हमको 1.5 लीटर इसमें ऑयल डालना ही है गियरबॉक्स के अंदर। और इस तरह से दबाने के बाद पूरा ऑयल गियरबॉक्स के अंदर चले जाता है। और ये 0.5 लीटर का पाउच है, हम इसको उसमें ऐड कर देंगे तो 1.5 लीटर ऑयल हो जाएगा। टाटा एस का गियरबॉक्स का जो ऑयल है तो 1.5 लीटर ऑयल उसमें लगता है। और अब हम इस पाउच को भी वैसे ही वही कंडीशन में उसमें प्रेस करेंगे ऑयल, तो बराबर गियरबॉक्स में चला जाएगा। और थोड़ा ज़्यादा ऑयल हो जाएगा ना, तो वो उसके लिए प्लग रेडी रखना होता है। जैसे पाउच का मुंह निकालेंगे आप, तो आपको जो उसका ऑयल लेवल गेज है प्लग, उसको वापस लगा देना होता है। और उसके लिए हम प्लग रेडी रखते हैं कि देखिए इस तरह से कि वो पाउच का मुंह हटाते ही प्लग फिट कर देना है, नहीं तो ऑयल ऊपर से निकल जाएंगे थोड़ा।
ये देखिए हमारा ऑयल उसमें चला गया और हमने जो ऊपर का प्लग है उसका लेवल का हमने वो उसमें फिट करना चालू कर दिया है। अब प्लग को टाइट कर देंगे और उसका जो ऑयल लेवल है वो ऑयल चेंज वो हो चुका है। टाटा एच टी और इसके साथ में उसको चेक कर लेना है साफ करके कि कुछ लीकेज ना रह जाए।